नमस्कार दोस्तों, आपके अपने वर्चुअल लैब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर चल रहा है। नाइन्थ क्लास का 9वां चैप्टर है, जिसकी हमने पहले 9.4 और 9.5 एक्टिविटी देखी थी और 9.6 लेकर आज हम आए हैं। लेकिन ये तीनों एक्टिविटी एक ही प्रिंसिपल हमें सिखाती है कि एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा आमने सामने और एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में होती है। तो इससे पहले के यानी कि 9.5 में हमने एक गुब्बारे का एक्सपेरिमेंट किया था कि गुब्बारे में से हवा छूटती है और वो अपने साथ चिपकाए हुए स्ट्रो को लेकर कैसे दौड़ती है। इससे पहले का हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा वो दो गाड़ी पर सामने एक दूसरे को जब हम कोई वो वजनदार चीज़ें जो है वो फेंकते हैं तो दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट होता है, वो दोनों को एक्शन और रिएक्शन से गाड़ी आगे पीछे होती है। आज हम देखने जा रहे हैं एक और एक्सपेरिमेंट जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमें एक्सप्लेन करता है। तो उसमें क्या करना है, एक स्टैंड पर एक आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा पानी भर देना है और नीचे बंसन बर्नर रख कर उसे गर्म करना है। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। देखिए अभी आप हम इस पर क्लिक करेंगे और ये एक्सपेरिमेंट चालू हो जाएगा। मैं यहाँ बर्नर चालू कर रहा हूँ, बर्नर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए पूरा एक्सपेरिमेंट के क्या रिएक्शंस और क्या एक्शंस होते हैं। ये देखिए ये बर्नर चालू कर दिया, अभी धीरे 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 ये गर्म हो रहा है। देखिए वेपर चालू हो गया, यहाँ वाइटनेस आने लगी है। ये वेपर जो है वो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा रही है किसके ऊपर, ये कॉक के ऊपर। अभी ये पानी उबलने लगा है, अभी देखिए क्या होता है। देखा ये वेपर का जो प्रेशर यहां था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि आगे का जो हमारा कॉर्क है वो एकदम स्पीड से उड़ गया, जैसे कि पिस्टल में से गोली निकलती है बिल्कुल इसी की तरह। तो यहाँ एक्टिव फोर्स कहाँ है, एक्टिव फोर्स ये साइड में बूझ गया, ये साइड में आपका कॉर्क गया, और रिएक्टिव फोर्स कहाँ लगा, ये आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो घूमने लगी, उसको हमने लटका के रखी है तो इधर से उधर घूमने लगी। तो ये एक्टिव और रिएक्टिव दोनों फोर्स एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में है। जैसे भी ये यहाँ से कॉर्क बाहर निकला, ये टेस्ट ट्यूब जो है वो पीछे की तरफ गई, और चूंकि हमने उसको लटका के रखा है, उसको इस तरफ जाने के बाद इस तरफ तो आना ही है, तो वो बिल्कुल पेंडुलम की तरह लुलक की तरह हुआ। फिर से एक बार आप देख लीजिए एक्सपेरिमेंट को और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बंसन बर्नर चालू कर दिया है, धीरे धीरे वेपर बढ़ रही है, अंदर फोर्स बढ़ रहा है। याद रखिए हमारा एक्टिव फोर्स जो है वो ये कॉर्क जो दिशा में जाता है वो है। ये देखिए तो ये है न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 9.7 लेके हम बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वी होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी दूसरा एक्सपेरिमेंट लेके हम आ रहे हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच अगेन।